are going to start Microsoft PowerPoint. In the last session we discussed about Microsoft Word. ये तो Microsoft Word एंड PowerPoint दोनों सेम है, बट वहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल्स बनाई जाती है एंड PowerPoint में कोई प्रेजेंटेशन बना दिया जाता है, उसमें पेज का यूज़ किया जाता है और यहाँ पर जो जो पेज होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्लाइड्स। जस्ट लाइक आपका नोटबुक का जो पेज होता है वैसे ही एक पेज होता है जिसे यहाँ पर स्लाइड कहते हैं। नाउ वी गेट स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। टू स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉलो दिस स्टेप्स। क्लिक द स्टार्ट बटन, क्लिक द ऑल एप्स एंड चूज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एरो पे क्लिक कीजिएगा एंड फाइंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंटरफेस दिस टाइप। लास्ट आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस देखा था, इसमें कुछ चेंजेस हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंटरफेस। लाइक दिस इज द टाइटल बार, इट कंटेन्स द फाइल नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन, क्विक एक्सेस टूल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन। इसे क्या बोलते हैं, टाइटल बार, जहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन अवेलेबल है एंड क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करती है जिसमें आप इजीली इसे क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे सेव, अंडू, रीडू एंड ये जो ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ पर आप कुछ कस्टमाइज करके कुछ ऑप्शंस ऐड भी कर सकते हैं। एंड दिस इज द विंडोज कंट्रोल बटन। फर्स्ट इज द मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन इज यूज टू हाइड द विंडो, वर्ड विंडो टेम्पररी फ्रॉम द स्क्रीन। ये हाइड हो गई स्क्रीन से, लाइक फिर से आप इसे ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमाइज यूज टू एनलार्ज द वर्ड विंडो इन टू स्टैंडर्ड साइज, लाइक अगर आपके आप ओपन करते हो इस साइज में आपका विंडो ओपन होकर आती है वर्ड विंडो, तब आप क्या कर सकते हैं, इसे एनलार्ज कर सकते हैं मैक्सिमाइज बटन। एंड थर्ड इज द क्लोज बटन, यूज टू कम आउट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। आपको अगर इससे बाहर आना है आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से तो आप क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ स्लाइड पेन। ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे आपके ओनली वन स्लाइड दिख रही है, इसे बोलते हैं स्लाइड पेन। द स्लाइड पेन होल्ड्स द थंबनेल्स ऑफ स्लाइड, इन दिस पेन यू कैन यू डिलीट, एड और रीअरेंज द स्लाइड्स। यहाँ पर जितनी भी आप स्लाइड्स एड करेंगे वो यहाँ पर शो करेगी, आप उसको अरेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड उसमें कुछ भी अगर आपको शो करना है, जैसे सपोज मेरे पास यहाँ 3-4 स्लाइड्स है और अगर उसका सीक्वेंस चेंज हो गया तो यहाँ से मैं उसे अरेंज कर सकती हूँ, उसे कॉपी कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ सारी स्लाइड्स को, दिस इज कॉल्ड स्लाइड पेन। नेक्स्ट इज अ टैब्स। टैब्स लोकेटेड और बिलो ऑफ टाइटल बार, इसे क्या बोलते हैं, टैब्स। वेन यू क्लिक ऑन अ टैब अ रिबन ओपन्स, जब भी आप इस टैब पर क्लिक करते हैं तो आपके वो रिबन ओपन होगा। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट आपका होम रिबन ओपन है, अगर मैं इंसर्ट पर क्लिक करती हूँ तो इंसर्ट रिबन ओपन होगा, दिस इज कॉल्ड टैब्स। नेक्स्ट इज अ रिबन। अ रिबन होल्ड्स अ सेट ऑफ कमांड्स एंड फीचर्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। रिबन क्या करता है, आपकी कमांड्स को होल्ड करके रखता है। द रिबन इज डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, जो भी रिबन है ये ग्रुप्स में डिवाइड होता है। इच ग्रुप कंटेन्स सेवरल ऑप्शंस कमांड्स, जैसे लाइक अगर मैं स्लाइड की बात करती हूँ तो एक स्लाइड ग्रुप है, इसमें आपके पास बहुत सारे कमांड्स अवेलेबल, जैसे लेआउट, रीसेट, डिलीट, न्यू स्लाइड। अगर फॉन्ट फैमिली की बात करती हूँ तो यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप है, देन यहाँ पे आपको फॉन्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। तो रिबन्स किस में डिवाइड होता है, ग्रुप्स में, और ग्रुप में बहुत सारे कमांड्स अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इज नोट्स पेन। नोट्स पेन हेल्प्स टू एड नोट्स टू ईच स्लाइड सेपरेटली, दिस नोट्स मे हेल्प द ऑथर ऑफ द स्लाइड्स टू कीप इन माइंड सम पॉइंट्स। जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखना होता है, बट हो सकता है कि जब आप बना रहे तब तो याद है बट बाद में याद नहीं रहे, तो आप नोट्स पेन में यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ नोट्स लिख सकते हैं जो भी आप स्लाइड बना रहे हैं। एंड देन जब आप प्रेजेंटेशन शो करेंगे अगर प्रोजेक्टर पर या स्लाइड शो करते हैं, देन वो आपका जो भी नोट्स है वो शो नहीं होता है। नेक्स्ट इज अ स्लाइड। इन दिस यू कैन एड टेक्स्ट, इंसर्ट पिक्चर, टेबल्स एक्सेट्रा। ये जो आपको शो हो रही है इसे क्या कहते हैं, स्लाइड। एंड इसमें आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या फिर कोई टेबल्स ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज स्टेटस बार, दिस इज अ कॉल्ड स्टेटस बार। स्टेटस बार लेट्स यू सी विच स्लाइड इज सिलेक्टेड, कौन सी आपकी स्लाइड सिलेक्ट है, कितने नंबर ऑफ स्लाइड्स आप यूज कर रहे हैं, देन कौन सा व्यू है, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर एंड स्लाइड शो। अगर यहाँ से भी आप इजीली स्लाइड शो कर सकते हैं, आपकी जो स्लाइड्स हैं उनसे आप उसको जूम कर सकते हैं। एंड लास्ट जो ये बटन होता है, ये फिर से जो भी आपके फिट स्लाइड टू करंट विंडो, जो आपकी करंट विंडो है उस पर फिट हो जाएगी, आपकी जो नॉर्मल साइज होती है वो इस टाइप से होती है। दिस क्लियर इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। थैंक यू।